फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है वेतन भुगतान के संबंध में। दोस्तों, नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोस्तों, इसी के संबंध में देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेतन भुगतान के संबंध में। आइए हम लोग देखते हैं पूरा लेटर। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के तरफ से दोस्तों लेटर जारी किया गया है आज 5 तारीख के डेट में। प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा। सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं कहरा को छोड़ करके जिला सहरसा। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, विषय है शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के वेतन भुगतान के संबंध में। दोस्तों, 2019-20 के अंतर्गत जो नवनियुक्त शिक्षक चयनित हुए हैं उनके वेतन भुगतान के संबंध में प्रसंग है। विभागीय अधिसूचना ज्ञापन 136 दिनांक 15 फरवरी 2022 एवं पत्रांक 470 दिनांक 23 अप्रैल 2022। महाशय, प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियम सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियम सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्रावधान के आलोक में शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों जो ससमय विद्यालय में योगदान समर्पित कर सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं तथा जिनका सभी प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान से सत्यापित होकर कार्यालय को प्राप्त हो चुका है का वेतन आदि भुगतान किया जाना है। जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है उन लोगों का वेतन आदि भुगतान किया जाना है। नियोजन वर्ष 2019-20 में चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र राज्य के अंदर संबंधित संस्थान को सत्यापन हेतु भेजा गया था। कुल चयनित अभ्यर्थियों में से 25 शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र सत्यापन होकर कार्यालय को प्राप्त हो चुका है और उसकी सूची भी यहाँ पे संलग्न की गई है। दोस्तों, जिन 25 नवनियुक्त शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है, जिसके उपरांत उक्त शिक्षकों का वेतन आदि भुगतान प्रारंभ किया जाना है। वेतन आदि भुगतान प्रारंभ से पूर्व ऐसे शिक्षकों का स्टैंडिंग एडवाइस, मास्टर डेटा, सेवा पुस्तिका, EPF हेतु सभी संगत कागजात की आवश्यकता है। अतएव आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न सूची के शिक्षकों का अपने अपने प्रखंडाधीन उपरोक्त विवरणी 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वेतन आदि भुगतान की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर सारी जवाबदेही आप लोगों की होगी। दोस्तों, कुल लगभग 43,000 शिक्षकों का चयन हुआ है, नवनियुक्त शिक्षकों का चयन हुआ है। दोस्तों, 43,000 का चयन हुआ है जिसमें से पहले इंस्टॉलमेंट मात्र 25 शिक्षकों का आया है। दोस्तों, जहाँ जिन लोगों का सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है अब उन्हें एक सप्ताह के अंदर दोस्तों उन्हें वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए और उनका लिस्ट भी यहाँ पे दे दिया गया है। विश्वास भाजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा। ये देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं। अभ्यर्थी का नाम है यहाँ पे राजीव कुमार और ये आपका बनमा इटहारी प्रखंड में है और सोशल साइंस में है। नेक्स्ट में हरिशंकर राम है, यहाँ पे अनुषा कुमारी हैं, इंजमामुल हक हैं, वसीम असगर हैं, गुरु नंदन कुमार हैं, आनंद कश्यप हैं, मिथुन कुमार हैं, जावेद अख्तर जी हैं, अर्श नवाज जी हैं, प्रभास कुमार जी हैं, सुशील राम जी हैं, दीन बंधु कुमार हैं, अरविंद कुमार, अमरेंद्र कुमार, सुरेश लाल दास हैं, दीपक कुमार हैं, मोहम्मद अहसान हैं, अंशु सिंह हैं और देख लीजिए तारिक अनवर जी हैं, प्रभाकर कुमार जी हैं, कुमारी नीतू प्रकाश जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, सम्राट सौरभ जी हैं, सुधांशु कुमार सुमन जी हैं, राजेश कुमार हैं। ये कुल 25 से ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों जिनका सभी तरह का प्रमाण पत्र का सत्यापन होकर के आ चुका है और अब उन्हें वेतन भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। इससे संबंधित जो भी कागजात हैं वो आप देख लीजिए, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर दे देना है।
ये आदेश जारी कर दिया गया है सहरसा के तरफ से। और देख लीजिए ये अलग अलग प्रखंड से हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नवनियुक्त शिक्षक एक ही प्रखंड से हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग से हैं। जिस प्रखंड से जिस भी नवनियुक्त शिक्षक का सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा दोस्तों, उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा, सबका इंतजार नहीं किया जाएगा कि जब एक प्रखंड के सभी का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा तभी पूरे प्रखंड में सैलरी दी जाएगी, वेतन दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जैसे जैसे हो जाएगा वैसे वैसे उसको दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए प्रखंड में, देख लीजिए यहाँ पे महिषी प्रखंड, महिषी प्रखंड, महिषी है, नौहट्ठा प्रखंड है, नौहट्ठा है, यहाँ पे पतरघाट है, सलखुआ है, सलखुआ है, सलखुआ है, जो भी प्रखंड है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सौर बाजार है, और जो भी जिस भी प्रखंड में सिमरी बख्तियारपुर है, सोन वर्षा है, जिस भी प्रखंड में जिस भी नियोजन इकाई के जिस भी कैंडिडेट या तो वो नवनियुक्त शिक्षक 6 to 8 में हो या 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, उन्हें उनका वेतन दिया जा रहा है जिनका प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है। और पहली जो 25 से नवनियुक्त शिक्षक हैं इन्हें सबसे पहले वेतन का भुगतान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, 25 से जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इन्हें सबसे पहले वेतन भुगतान किया जाएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को विद इन 1 वीक, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों कि एक सप्ताह के अंदर इन्हें वेतन आदि भुगतान किया जाएगा। इससे संबंधित जो भी कागजात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा कुछ जमा किया जाए। तो दोस्तों सभी को अपने अपने ज़िले में, अपने अपने प्रखंड में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलना है, और जल्द से जल्द आप जितना एक्टिव होकर के काम करवाइएगा आपका प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा, वैसे ही वैसे सबको मिलेगा, पर वेतन आदि का भुगतान किया जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों हर प्रखंड में, हर ज़िले के हर प्रखंड में कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर शिक्षक होंगे जिन लोगों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है और उन्हें वेतन मिलना चाहिए। जब यहाँ पे मिल सकता है तो बाकी ज़िले में क्यों नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक अलॉटमेंट की बात है दोस्तों, तो आज मैं जो वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट बोला था कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर ने स्पष्ट बताया था आप लोगों को बीच में कि अलॉटमेंट आ गया है और सिर्फ जिला और प्रखंड के लेवल से ही इस काम में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, इस वजह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, वेतन की भुगतान नहीं हो रही है। और अब ये बातें बिल्कुल सच साबित हो रही है। आज सुबह मॉर्निंग का जो वीडियो बना था उस वीडियो में मैं साफ साफ बताया था कि अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है, सबको वेतन अब मिलेगा जिसका प्रमाण पत्र का सत्यापन, और शाम होते होते आपके पास ये सारे सबूत आ गए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको संसे बनेज के माध्यम से दिया गया था। और देख लीजिए 25 से नवनियुक्त शिक्षकों का लिस्ट है जिन्हें एक सप्ताह के अंदर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप संसे बनेज के साथ।